आजकल ट्रेंडिंग पे जो कलर चल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, हाईलाइट्स हो गई, वन शेड डाई हो गया, फैशन शेड, ग्लोबल कलर, ग्रे हेयर्स का बहुत ज़्यादा इशू है। घर में किया है तो हमें हेयर फॉल हो गया बहुत ज़्यादा, वॉश कर करके हर दूसरे दिन तो हम हेयर वॉश करते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, स्ट्रेटनिंग तो होती है लेकिन हेयर ड्राई हो जाती है। Assalamualaikum, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मेल हो या फीमेल सबका ही बहुत बड़ा इशू है, वो है हेयर्स का इशू। हमारी पर्सनैलिटी में हेयर का इतना बड़ा रोल है कि आप जितने मर्जी रेडी हो जाएं, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लें, जितना मर्जी अपने आप को अच्छा मेंटेन कर लें, जब तक आपके हेयर्स नहीं अच्छे, हेयर्स की कंडीशन नहीं अच्छी, स्टाइलिंग नहीं अच्छी, आपकी पर्सनैलिटी ज़ीरो है। इस मसले को हल करने के लिए आज हमने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है वो बहुत अच्छी हेयर एक्सपर्ट हैं। तो वेलकम द वन एंड ओनली समरीन रहमान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक, आप कैसी हैं मैडम? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप क्या करती हैं, मतलब अपने बारे में आप क्या क्या चीज़ें करती हैं। वैसे तो मुझे कुछ चीज़ें आपके बारे में पता है कि आप काफ़ी सोशली भी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डिफरेंट पे काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन ज़रा ब्रीफ करके आप हमें बताएं। मेरा असल में हेयर्स का वर्क है, मेरा हमारा जो वर्क है वो हेयर्स पे होता है, स्कैल्प पे नहीं होता। जैसे आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लेडीज़ का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हमने ऑफिस जाना है या जॉब कर रही हैं, हाँ स्ट्रेटनिंग करनी है, उसके हवाले से है कि हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर स्ट्रेट कर देते हैं, वो ये होता है कि 1.5 ईयर चल जाते हैं, उनको बार बार स्ट्रेटनर या हीट देने की ज़रूरत नहीं होती। और आजकल ट्रेंडिंग पे जो कलर चल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, हाईलाइट्स हो गई, वन शेड डाई हो गया, फैशन शेड, ग्लोबल कलर, ग्रे हेयर्स का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत इशू है। और स्ट्रेटनिंग पे है, हेयर एक्सटेंशन पे है, जिनको जिनके हेयर्स नहीं होते, वॉल्यूम कम होता है तो हेयर एक्सटेंशन लगाते हैं, तो मेरा इस पे है वर्क। और मेरा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा है, टिकटॉक अकाउंट है, सैम्स ब्यूटी क्लिनिक के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डिटेल में भी बताती हूँ। जो मेरे पास नहीं आ सकती ब्यूटिशन है या कोर्स करने नहीं आ सकती, या वो लेडीज़ जो घर बैठी होती हैं जिनको नॉलेज नहीं होती कि हमें अपने हेयर्स पे क्या करवाना चाहिए, बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं नॉलेज देती रहती हूँ अपने अकाउंट पे। जी, सोशल मीडिया पे तो मैंने आपको काफ़ी देखा है कि मतलब आपकी वीडियोज़ बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही होती हैं, टिकटॉक हो या इंस्टा हो, बहुत ट्रेंडिंग पे आपकी वीडियोज़ हैं और काफ़ी नॉलेज आप वहाँ प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो आप हमें सबसे पहले बताएं कि आजकल हेयर फॉल का बड़ा इशू है, मेल हो फीमेल उनको बहुत इशू रहता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। हेयर फॉल का ये अक्सर मुझे कमेंट्स भी आ रहे होती हैं कि जो आप ट्रीटमेंट कर रही हैं ये हमने किसी सैलून से करवाया है या कि घर में किया है तो हमें हेयर फॉल हो गया बहुत ज़्यादा। हमारा तो स्कैल्प पे वर्क ही नहीं है, प्रोडक्ट्स हम लगाते ही नहीं हैं स्कैल्प पे, हमारा तो हेयर पे वर्क होता है, तो वो कैसे हेयर फॉल हो सकता है? हाँ, अगर आपका हेयर बर्न हो गया है, डैमेज हो गया, तो वो ये है कि कोई जहाँ से भी आपने करवाया है वर्क, हेयर डैमेज उन्होंने कर दिया है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स लगा दी जिससे हेयर डैमेज हो गया। मेल का जो प्रॉब्लम है वो मेन मसला ये है कि जो भी मार्केट में जाते हैं, ऐड देखते हैं कि हेयर सिल्की हो गए हैं, ये हो गया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ले आते हैं, शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनका हेयर का मसला हो जाता है हेयर फॉल का। कैरेटिन के बारे में हमें कुछ बताएं, मतलब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कैरेटिन, सेफ है नहीं है कुछ बताएं? कैरेटिन सेफ है, सेफ साइड है। अच्छा, अक्सर जो क्लाइंट्स हैं मुझे मैसेज करती हैं कि हमें कैरेटिन करके स्ट्रेटनिंग दे दें, कैरेटिन से हेयर स्ट्रेट हो जाएगा। कैरेटिन से हेयर कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। अच्छा, जिन्होंने हाईलाइट्स करवाई होती हैं, ब्लीचिंग से हेयर गुजरा हुआ होता है, तो नेचुरल जो है कैरेटिन हमारे हेयर से रिमूव हो जाता है, तो उसको डिपॉजिट करने के लिए फिर हम कैरेटिन से, यानी स्ट्रेट नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेटनिंग हेयर रिपेयरिंग है हेयर, उन हेयर्स के लिए जो हाइलाइट्स वगैरह करवाते हैं या बार बार कलर यूज़ करती हैं जिससे हेयर ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हम कैरेटिन यूज़ करते हैं। कैरेटिन तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी होते हैं? अगर आप जो आपको गाइड करते हैं होम केयर शैम्पू हो गया, जिसमें आफ्टर सीरम हो गया, मास्क हो गया, वो यूज़ करें तो कभी भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और इसमें ये होता है कि 2 से 6 हेयर की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैरेटिन कितना टाइम स्टे करेगा, उसमें आपका 3 से 4 मंथ 5 मंथ तक होता है कैरेटिन। हाँ, कैरेटिन होता है, स्टे करता है, फिर अगेन आपको करवाना पड़ता है। ओके, तो कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि हमने कैरेटिन कराया, ट्रीटमेंट लिया हमने और हमारे जो हेयर्स हैं वो डैमेज हो गए बिल्कुल?
असल में वो ये होता है कि केराटिन के नाम पे उनके हेयर को रिबॉन्ड कर देते हैं या एक्सटेंसो स्ट्रेटनिंग कर देते हैं. हेयर की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स लगाएं उन पे. क्लाइंट को ज़रूरत होती है केराटिन की, उसको रिबॉन्ड कर दिया कि चलें अभी कर देंगे तो बाद में देखा जाएगा, जो सैलून वाले हैं अक्सर. तो केराटिन और स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग में क्या फ़र्क है? केराटिन रिपेयरिंग है, रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो हो गया, रिलैक्सिंग हो गया, ये स्ट्रेटनिंग है. और हेयर की कंडीशन देख के वर्क करते हैं कि कौन से हेयर पे रिबॉन्डिंग होगी, कौन से हेयर पे केराटिन होगा, और कौन सा क्लाइंट है जिसकी विश है कि मुझे स्ट्रेटनिंग भी चाहिए और रिपेयरिंग भी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हेयर वर्क करते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, कलर्स का आजकल बड़ा ट्रेंड है, लेकिन जब कलर्स कराने जाती हैं कुछ खवातीन तो कट डाउन होता है वहाँ पे, तो उससे हेयर्स बड़े डैमेज होते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं. सबसे पहले कि क्लाइंट को नॉलेज दें, कहीं भी गया कोई वर्क करवाने, अक्सर क्लाइंट्स क्या होता है कि वो ले जाते हैं वीडियोस जो उन्होंने वीडियोस में देखा होता है कि ये मैं कलर करवाऊंगी तो मेरा बहुत अच्छी लुक आएगी, बहुत अच्छा. वो एक तो फिल्टर लगे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है ना जो कलर किए होते हैं, क्या पता वो आपको सूट ना करें फेस के अकॉर्डिंग. अगर आपके कलर से हेयर डैमेज हो रहा है तो हेयर की कंडीशन देख के वर्क करें ना. वर्क करेंगे तो कभी भी आपका बाल डैमेज नहीं होगा. ओके, कट डाउन से ये होता है कि पहले होता था, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि आप मेरे पास आई हैं, मैंने आपके हेयर पे कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना है और हेयर को किस तरह से सेव करना है. तो अगर हम वॉल्यूम जो लेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग ले लेंगे, हेयर आपका वीक है, तो ये हेयर्स को देखकर आप कट डाउन यूज़ करते हैं. बिल्कुल, क्लाइंट के माइंड में ये होता है कि नहीं कट डाउन से हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे. कट डाउन से कभी यही तो मैं आपसे कट डाउन से कहना चाह रही हूँ कि अक्सर ही यही शिकायत मिलती है कि हमने हेयर कलर करवाया किसी जगह से, कट डाउन किया, हमारे तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हेयर बिल्कुल डैमेज हो गया. और ये दिखने में भी अक्सर वीडियोज में अक्सर जगहों पर आप देखें तो यूं ही होता है, बिल्कुल हेयर बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं. उसमें ये होता है कि आपके पास क्लाइंट आया, आपने हेयर के पहले होता था कि कट डाउन, अब नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने कट डाउन से, क्यों क्लाइंट डर गए हैं, बाल डैमेज हो, कूल लिफ्टिंग लिफ्टिंग कर रहे हैं आपकी हेयर. अच्छा. पे कट डाउन नहीं कर रहे है, कट डाउन ही लेकिन सेफ साइड पे जाके करते हैं, हेयर डैमेज ना हो. फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, मतलब कट डाउन का एक सेफ साइड भी है, सेफ साइड है. कट डाउन से बाल ड्राई होता है, डैमेज नहीं होता. उसके लिए ये होता है कि फिर आपके केराटिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं हम जो कर रहे हैं सैलून में हेयर को रिपेयर करने के लिए. ओके, अच्छा, ऐसे लोग जिनके हेयर्स बिल्कुल ही नहीं होते, उनके लिए होती ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती और नेचुरली भी उनके बहुत वॉल्यूम कम होता है, तो उनको भी कुछ बताएं. उनके लिए ये है कि 6D, 3D, 9D हेयर एक्सटेंशंस हैं जो लगाते हैं ताकि वॉल्यूम भी आ जाए थोड़ा सा और लेंथ भी हो जाए. तो वो क्लाइंट की हेयर ग्रोथ पे, ग्रोथ का तो हमारा हेयर पे तो वर्क ही नहीं है ना, मतलब स्कैल्प पे तो हमारा काम ही नहीं, जो हेयर होते हैं उस पर काम करते हैं. जैसे कि आपकी शोल्डर लेंथ है, आपको बैक लेंथ चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हेयर लेंथ एक्सटेंशन लगाएंगे आपको. एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन सेफ है, सेफ साइड है, केयर एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है. अब कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, हेयर का करवा लें आप, या जो है ना हाइलाइट्स करवा लें, रिबाउंड करवा लें, स्ट्रेटनिंग करवा लें, तो केयर तो बहुत ही ज़रूरी है. मेरे पास आए हैं, कहीं भी गए हैं, किसी भी सैलून में गए हैं, उन्होंने तो आपको करके भेज देना है. केयर करना तो आपका काम है, क्लाइंट का काम होता है कि जो होम केयर बता रहे हैं और वो यूज़ करें. प्रोडक्ट्स वगैरह जो बताते हैं वो यूज़ करें. अक्सर क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हमने करवाई रिबॉन्डिंग, 2 ईयर्स हो गया, हमारे बाल डैमेज हो गए हैं, हेयर फॉल हो गया है, ये हो गया. देखिए 2 ईयर्स में आपने जो आपको प्रोडक्ट्स बताई थी कितना टाइम यूज़ किया, करीब 1 मंथ में ही हमने छोड़ दिया था, तो कैसे वो तो हेयर ख़राब होंगे ना, फिर ड्राई भी होंगे, रफ. क्योंकि आपने अपने एक नेचुरल चीज़ से हट के एक चीज़ की है तो डेफिनेटली आपका कुछ आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी उसके. अगर आपने रिबॉन्ड भी करवाए हैं फिर भी आपको 3 से 4 मंथ बाद सैलून में जाके कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए. प्रोटीन हो गया, बटॉक्स हो गया, कुछ ना, क्योंकि वॉश कर करके हर दूसरे दिन तो हम हेयर वॉश करते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, स्ट्रेटनिंग तो होती है लेकिन हेयर ड्राई हो जाते हैं. वैसे आप क्या सजेस्ट करेंगी कि केराटिन बेहतर है, स्ट्रेटनिंग बेहतर है या रिबॉन्डिंग? मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि हेयर की कंडीशन देख के वर्क करते हैं. वर्जिन हेयर है, कभी कोई केमिकल की एप्लीकेशन नहीं हुई. लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसा आए कि नहीं मुझे तो रिबॉन्डिंग करानी है और उसकी कंडीशन रिबॉन्डिंग वाली ना हो, फिर आप क्या करती हैं? तो नहीं करेंगे, नहीं डैमेज तो नहीं कर सकते हैं. नहीं करती हैं आप, गाइड करेंगे कि आपको रिपेयरिंग की जरूरत है, आप रिपेयर करवाएं, डैमेज ना करवाएं. डैमेज ना कराएं क्योंकि उससे हेयर्स और मजीद खराब हो सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, थोड़ी सी मतलब आप अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा मैसेज दें इस बारे में कि अगर वो अपने हेयर ट्रीटमेंट और इसको किस तरीके से अपना हेयर ट्रीटमेंट घर बैठे कर सकते हैं, कौन से अच्छे ऐसे शैम्पू हैं, कौन सी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं वो जो प्रोडक्ट यूज़ करें, कोई सीरम? एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि जब क्लाइंट यूज़ करते हैं होम रेमेडीज़,
जिसमें दही हो गया और उसमें लीमू वगैरह कुछ भी ऐड कर लेते हैं, एक तो वो ड्राई करते हैं हेयर्स को, रफ करते हैं। आप जो मार्केट में ऐड वगैरह देखते हैं, कोई भी शैम्पू ले लें वो आप यूज़ ना करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ किया करें, मास्क सीरम ये बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेट ना किया करें। अगर आप डेली बेसिस पे स्ट्रेट कर रहे हैं हेयर को, तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे सैलून में जाएं, वहाँ अपने हेयर को स्ट्रेट करवा लें। ये होगा कि 1.5 ईयर तक आपके हेयर स्ट्रेट रहेंगे, डैमेज नहीं होगा जो डेली आप स्ट्रेट कर रहे हैं। ये है कि अपनी हेयर की केयर करें। थैंक यू। ठीक है, अच्छा हमारा एक सेगमेंट है नॉन स्टॉप सेगमेंट, ओके, उसमें आपको एक मैं वर्ड बोलूंगी, क्विकली आपने उसके ऑल्टरनेट कोई वर्ड बोलना है। ठीक है, पहला वर्ड है जिंदगी, बच्चे, ओके, मोहब्बत, माँ, लाइफ स्टाइल हेयर, हेयर स्पेशलिस्ट हूँ और हेयर का हेयर, ओके, हस्बैंड, केयरिंग माशाल्लाह, मोबाइल, सोशल मीडिया ये तो बिल्कुल ठीक बात है, मोबाइल पे सोशल मीडिया चल रहा हो तो मोबाइल है, अदरवाइज मोबाइल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट, जिसमें कुछ मिथ्स और फैक्ट आपसे मैं आपकी फील्ड से रिलेटेड पूछूंगी, आपने हमें उसके बारे में कुछ बताना है। पहला क्वेश्चन है कि बालों को रोज धोने से हेयर लॉस होता है? जी होता है, डेली बेसिस पे अगर वॉश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश किया करें 1 से 2 डेज का गैप दें, गैप दिया करें। ठीक होगा, अच्छा सेकंड क्वेश्चन है कि हेयर लॉस सिर्फ फीमेल्स का मसला है या मेल्स का भी मसला? दोनों का है, दोनों का प्रॉब्लम है हेयर फॉल का। मतलब लेडीज़ का ये होता है कि हमारे लॉन्ग हेयर होते हैं, हमें ज़्यादा मसला फील हो रहा होता है, जेंट्स का ये होता है कि कटिंग में जा रहा होता है हेयर तो कम होता है। हेयर ट्रीटमेंट आपके बालों को डैमेज कर देते हैं, मिथ है या फैक्ट है? मिथ है। कैसे? देखिए अगर आप केयर नहीं करेंगे तो डैमेज तो होगा आपका हेयर, केयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, अच्छा हेयर मसाज से हेयर ग्रोथ बढ़ता है? हाँ, अच्छा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 5-6 ऑयल मिक्स कर लेते हैं, हाँ इसके बारे में हमें कुछ बताएं। उसका मसाज कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपका हेयर फॉल होता है, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो आपके हेयर को ड्राई कर रहे होते हैं, हालांकि आपके हेयर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ड्राइनेस ऑलरेडी होती है, जैसे धनिया का ऑयल ले लें, उसको मिक्स किया होता है, पता नहीं क्या क्या 5-6 ऑयल घर में बना के ना, तो उससे अगर आप मसाज करेंगे तो ज़ाहिर आप वैसे सिंपल ऑयल अगर लिया जाए तो कहा जाता है कि अच्छा कोकोनट ऑयल कहा जाता है कि ऑयलिंग रेगुलर करें ताकि आपके हेयर जो हैं अच्छे रहें, तो ये भी कोई बात? कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा होता है इफेक्ट, कुछ होते हैं जिनको नहीं, जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है उस पे मजीद आप ऑयल कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑयली स्कैल्प वालों को नहीं करना चाहिए, प्रोटीन ऑलरेडी उनके स्कैल्प पे है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया है। एंड पे आप हमें थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को मजीद कुछ थोड़ी सी टिप्स कोई मैसेज देना चाहें? ये है कि अपने हेयर की केयर करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हेयर के रिलेटेड बताती हूँ, और मेरा पेज है सैम ब्यूटी क्लिनिक के नाम से, टिकटॉक पे भी है, एफबी पे भी है, इंस्टा पे भी है, वहाँ पे मैं टिप्स भी बताती रहती हूँ, और जो वर्क करती हूँ, जो सीखने वाली हैं ब्यूटीशियन वर्क कर रही हैं हेयर पे, ये है कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो मेरी वीडियोज़ देख के बहुत कुछ सीख सकती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। तो जी कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे हमें कैसे पता लगेगा कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अपनी होस्ट को दें इजाज़त, अपने और अपने प्यारों का रखें ख्याल, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद एक्सपर्ट्स और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।